फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पापिया व्लॉग्स। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पापिया व्लॉग्स में प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बात में मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, वो है आप जिस तरीके से अपना घर सजा रहे हैं, होम डेकोरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स, गेस्ट को फूड आइटम्स प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है, क्योंकि इससे आपकी ही पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। तो प्रेजेंटेशन स्टाइल को एम्फसाइज करते हुए आज का जो DIY है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग है, जो सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ही लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल एक टाइप का सर्विंग ट्रे Amazon या किसी भी ऑनलाइन जगह हर जगह काफी ट्रेंड में है, वो है कार्ट व्हील सर्विंग ट्रे, जो कि मैंने खुद Amazon में ट्राई किया था, सर्च किया था, जो कि इतना कॉस्टली है कि मैंने सोचा ये सर्विंग ट्रे तो मैं खुद ही अपने ही हाथों से बना सकती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, ताकि आप लोग भी अपने ही हाथों से बड़े ही आराम से, सबसे बड़ी बात, कम खर्चे में घर पे बैठ के बना सकते हैं। तो जिस सर्विंग ट्रे की मैं बात कर रही थी उसका पिक्चर मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, जो कि मैंने काफी सर्च किया था, जो कि 5000 के रेंज में है, कुछ 1500 इवन लाइक मोस्टली 1000 के अभाव भी मुझे दिखे। डिस्काउंट होने के बाद भी फ्रेंड्स काफी कॉस्टली था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हाथों से अपने ही घर पे बैठ के बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सर्विंग ट्रे दिखा देती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि इन DIYs, क्राफ्ट आइटम, आर्टिस्टिक आइटम्स को बनाने में हमारी काफी मेहनत लगती है, तो मेरे इस छोटे से एफर्ट को सपोर्ट कीजिएगा, और साथ ही साथ ऐसे ही ब्यूटीफुल न्यू आर्टिस्टिक वीडियो को पाने के लिए अभी के अभी मेरे YouTube चैनल पापिया व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कीजिए बेल के साथ एंड ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से, ताकि वो भी सीख सके और बेनिफिटेड हो सके। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे मिलती रहे। तो बातें ज्यादा न करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल सा कार्ट व्हील ट्रे हैंडमेड है, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, जिसे आप एज अ सर्विंग ट्रे या तो फिर गिफ्ट पर्पस, होम डेकोर या पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं अपने बेड साइड टेबल में रख के अपने पर्सनल आइटम्स को रखने के लिए। फ्रेंड्स, इस ट्रे का मल्टीपर्पस यूसेज से इम्प्रेस होके ही मैंने खुद इसका ऑनलाइन सर्च किया था, जिसका प्राइस मुझे पर्सनली काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे खुद अपने हाथों से बनाऊं और आप लोगों के साथ इसका फ्री ट्यूटोरियल शेयर करूं, सो दैट आप भी अपने ही हाथों से इतना ब्यूटीफुल ट्रे बनाएं और अपने गेस्ट, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को इम्प्रेस करें इसमें सर्व करके। सो फ्रेंड्स, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि पूरा वीडियो देखिएगा, सो दैट आप इसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल समझ पाए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में जरूर प्रेस कीजिए बेल एंड ऑल ऑप्शन के साथ, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की ट्यूटोरियल की तरफ। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल्स है उसमें सबसे मेन वेस्ट आइटम जो है वो है हमें ये इस तरीके का ये ग्लास जार का जो ढक्कन या कैप आता है, जो कि जनरली हमें जैम के बॉटल के साथ या पिकल के बॉटल के साथ मिलता है, वो हमें यूज करना है। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आइटम हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए ये है मेन आइटम, ये वुड का ट्रे है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में आपको 20-30 रुपीस के अंदर मिल जाना चाहिए, मुझे ये 25 रुपीस का पर पीस मिला है। तो ये वुड का अगर ट्रे हो आपके पास तो बहुत ही अच्छा, या तो फिर आप कार्डबोर्ड का ट्रे ले सकते हैं, लेकिन वुड का ट्रे से आपको ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो है हमें इस तरीके का फेविक्रिल का जो कलर्स आता है, एक्रिलिक कलर्स,
आप ये ले लीजिए या पेंट ले लीजिए, जो भी एशियन पेंट्स जो आता है वो ले सकते हैं। पर बेसिकली मैंने वुड को पेंट करने के लिए लिया है, तो मैं एक्रिलिक कलर्स ले रही हूँ और ये फेविक्रिल का गोल्डन 3D आउटलाइनर है और ये एक्रिलिक डिफरेंट कलर्स के एक्रिलिक कलर्स हैं और एक पेंट ब्रश है। फ्रेंड्स, ये DIY क्योंकि वुडन ट्रे में बना रहे हैं तो पॉलिश के लिए, फिनिश के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हम लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए पिक्चर वार्निश यूज़ करेंगे, जो कि हम वुड में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ₹140 का मिल जाता है, 100 ml का बॉटल है। ये भी आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। तो ये मैं कैमल कंपनी का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ ग्लिटर्स यूज़ किया है। आप चाहे तो ग्लास के जो सर्कुलर मिलते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है। ग्लू गन विद ग्लू स्टिक या तो फिर आप नेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेप ये है कि ये जो ग्लास जार के हमारे पास जो कैप्स होते हैं, जो कि हमें पिकल या जैम की बॉटल के साथ मिलता है, इन कैप्स को हमें ऑयल पेंट या एक्रिलिक कलर या स्प्रे पेंट, कोई भी पेंट से आपको पेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने चूज़ किया है ब्लैक कलर का एक्रिलिक कलर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और ये विदाउट वाटर मैं डायरेक्टली पेंट इसमें अप्लाई करूँगी, ब्रश की मदद से इसे पेंट करके फिर इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो देखते रहिए मैं कैसे पेंट करती हूँ। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ये जो वुडन ट्रे है, हमें इसे व्हाइट कलर करना है एज अ बेस पेंट, जो कि आप एक्रेलिक कलर ले सकते हैं, ऑयल पेंट ले सकते हैं या इवन स्प्रे पेंट। तो मैं यहाँ पे एक्रेलिक का ही स्प्रे पेंट मिलता है, आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। मैं व्हाइट ग्लॉस कलर से इसको पेंट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पेंट करने के बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। व्हाइट एक्रिलिक स्प्रे पेंट से बेस कोट करने के बाद मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट से कलर कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये लिड्स को पेंट करके मैंने ड्राई कर लिया है, तो ये ड्राई होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट प्रोसेस इज, अब हमें व्हील्स को कार्ट के साथ अटैच करना है। तो जैसे कि पहले ही मैंने आपको बोला था कि व्हील्स को कार्ट में अटैच करने के लिए आप या तो ग्लू गन की मदद से अटैच करें, या तो फिर अगर आप और भी इसे स्ट्रॉन्ग स्टर्डी बनाना चाहते हैं तो प्रेफरेबली नेल एंड हैमर की मदद से ही व्हील्स को कार्ट के साथ फिक्स करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कारपेंटर का मदद लिया है। आप इसी प्रोसेस में, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आप व्हील्स को कार्ट के साथ अटैच कर दीजिए। व्हील्स को नेल्स और हैमर की मदद से अटैच करने के बाद आप और भी इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फेविक्विक या फेवी बॉन्ड से इसे पेस्ट कर दीजिए, ताकि ये और भी मजबूत हो जाए। अब ये देखिए, ये फाइनली ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। हाउएवर, हमें फाइनल टचअप देना है, क्योंकि इस वक्त जब हम काम कर रहे थे इसका जो गोल्डन स्प्रे पेंट थोड़ा निकल गया था, तो अब मैं ब्लैक कलर का फेविक्रिल 3D आउटलाइनर की मदद से इस जो कार्ट व्हील के व्हील्स को फाइनल टचअप दे रही हूँ, सो दैट जो भी कलर निकला था या एक्स्ट्रा कलर, उसे मैं अच्छे से सेट कर पाऊँ। तो ये देखिए, मैंने टचअप कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें गोल्डन एक्रिलिक पेंट से ब्रश की मदद से ये जो व्हील के ऊपर एक्स्ट्रा ब्लैक कलर लगा है उसे टचअप करके हाइड करना है, सो दैट हमें फाइनली फिनिश ट्रे मिल पाए। अब नेक्स्ट हमें ग्लासेस या कोई भी डेकोरेटिव आइटम जो आपका मन पसंद हो, उससे फर्दर इस ट्रे को और भी डेकोरेटिव लुक लाना है। तो आपको फेविकॉल या कोई भी ग्लू स्टिक ग्लू गन की मदद से आप इन ग्लास मिरर्स को इस तरीके से
पूरे ट्रे में डेकोरेट करते जाइए जैसे कि मैंने वीडियो में शो किया है फ्रेंड्स। ग्लासेस को फिक्स करने के बाद हमारा ट्रे कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल सा राजस्थानी लुक क्रिएट हो रहा है। अब नेक्स्ट हमें पॉप्सिकल स्टिक लेना है सो दैट हम व्हील्स के दोनों तरफ इस पॉप्सिकल स्टिक को फिक्स कर पाए एक रियलिस्टिक व्हील लुक देने के लिए। उसके लिए मैंने ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट लिया है और पॉप्सिकल स्टिक को कुछ इस तरीके से पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद हमें इस पॉप्सिकल स्टिक को ड्राई होने के लिए रख देना है फ्रेंड्स। ड्राई होने के बाद पॉप्सिकल स्टिक कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब कार्ट व्हील को और भी रियलिस्टिक लुक देने के लिए फेविकॉल की मदद से हम पॉप्सिकल स्टिक को व्हील्स के दोनों तरफ कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। फाइनली ये देखिए ये हमारा फाइनल लुक है। ये इतना ब्यूटीफुल सा राजस्थानी लुक लेके ये सर्विंग ट्रे हमारा बनके बिल्कुल तैयार है जो कि बड़े ही इजीली आप भी बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? थोड़ा सा भी अच्छा एंड यूजफुल लगे तो मेरे YouTube चैनल पापिया व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी होली इन एडवांस।